बचपन में एक पोइम पढ़ा करते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या आप अब भी मुतहैर होते हैं कि आज इतनी दूरियों के बावजूद हमें कैसे पता चला कि अफलाक में जुरे सितारे गैसी से बने हुए हैं? आइए सितारों की तवील दास्तान एक मुख्तसर कहानी की सूरत में सुनते हैं। सितारों की साख्तों परदाख्त पर तारीख में पहला मफरूजा एनेक्सागोरस का मिलता है। उन्होंने 450 कबल मसीह में कहा कि सितारे तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर हैं, लेकिन वो हमसे इतना दूर हैं कि उनकी हिद्दत और हरारत हम तक नहीं पहुंच पाती। फिर अरिस्टोटल आए और उन्होंने कहा कि सितारे अपनी जबिलत में बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे और तमाम के तमाम सितारे ज़मीन का तवाफ कर रहे हैं। और इस मफरूजे के साथ कई अदवार गुजर गए। फिर दौर आया टेलीस्कोप्स का, जिसने अफलाक में नज़र आने वाले छोटे छोटे नुकात को अलग अलग नई नई दुनियाओं में आश्कार कर दिया। 1704 में सर आइजक न्यूटन ने अपनी किताब दी ऑप्टिक्स में इस बात की वजाहत की कि वाइट लाइट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कलर्स। उन्होंने जब शीशा मंशूर यानी परिज्म से सफ़ेद रोशनी को पास करवाया तो वो बहुत से रंगों में मुंतशिर हो गई, जो कि इस बात की दलील थी कि सफ़ेद रोशनी यक रंग नहीं बल्कि बहुत से रंगों का मुरक्का है। 1802 में विलियम वॉलिस्टन ने रोशनी के स्पेक्ट्रम की तफहीम का एक जीना मजीद तय किया। उन्होंने पहले नैरो स्लिट और फिर शीशे मंशूर यानी परिज्म से जब रोशनी को पास करवाया तो उन्होंने देखा कि सफ़ेद रोशनी के स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस भी मौजूद हैं। उनके इदराक में ये डार्क लाइंस एक रंग से दूसरे रंग के दरमियान हदबंदी की वजाहत के लिए मौजूद थी, लेकिन वॉलिस्टन डार्क लाइंस के हकीकी रिम्स का अंदाज़ा न लगा सके। फिर 1814 में एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर जोसेफ फ्रेनहोफर ने रोशनी के इन अताफ यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की पैमाइश के लिए बहुत से ग्लासेस को जेर इस्तेमाल लाकर एक डिवाइस मुख्तरे की। उसने इसे तैफे अक्स पैमा यानी स्पेक्ट्रोस्कोप का नाम दिया। जब सूरज की किरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करवाया गया तो फ्रेनहोफर को भी बिल्कुल वही स्याह खतूत नजर आए जिनका मुशाहिदा इससे पहले वॉलिस्टन ने किया था, लेकिन वॉलिस्टन की तरह फ्रेनहोफर भी इन स्याह खतूत का भेद ना जान सके। मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनकी ये डिवाइस आगे चलकर सितारों के भेद आयां करने में मौनत करेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी की राहों में अगर किसी चीज़ को पाने के लिए हमें बार बार शिकस्तगी का सामना करना पड़े तो हम थक हार के कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। सितारों की कहानी में भी कुछ ऐसे ही हुआ। 1835 में फ्रेंच फिलोसोफर अगस्टस कॉम्ट ने यह बयानिया जारी किया कि सितारों के हकायक इंसानों के इदराक से हमेशा मावरा ही रहेंगे, क्योंकि हम सितारों को छू नहीं सकते, इसलिए उनकी हकीकत तक पहुंचना हमारे बस का काम नहीं। मगर कॉम्ट जल्द ही गलत साबित होने वाले थे। तैफे अक्स पैमा यानी स्पेक्ट्रोस्कोप रोशनी को मुख्तलिफ रंगों के स्पेक्ट्रम में मुंतशिर करके उस रोशनी की वजाहत करती है। अब लाइट चूँकि एनर्जी है तो रोशनी के स्पेक्ट्रम में स्याह खतूत का मतलब था कि एनर्जी का कुछ हिस्सा कहीं गायब हो जाता है। अब सवाल ये था कि यह हिस्सा गायब कहाँ हो जाता है। 1850 की दहाई में रॉबर्ट बेंसन और गस्टफ क्रीकॉफ ने अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से इस बात की तौजी पेश की कि रोशनी को अगर किसी गैस से पास करवाया जाए तो उस गैस के एटम्स उस रोशनी का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं यानी जज्ब कर लेते हैं। रोशनी का ये इंतजाब गैस के एटम्स पर मुनहसर है, यानी गैस ए से गुजरकर आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रम गैस बी से गुजरकर आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ होगा। बेंसन और क्रीकॉफ ने जाना कि रोशनी का स्पेक्ट्रम तो दरअसल उस गैस का दस्तखत होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि रोशनी किस गैस से गुजर कर आ रही है। और यही वो समय था जब सितारों के राज आया होने लगे थे। 1862 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हगिंस ने अपनी टेलीस्कोप के साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोप को अटैच करके अफलाक को एक नए करीने से एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने अपनी शरीक हयात मार्गरेट के साथ मिलकर बहुत से स्टार्स के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। सितारों के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने जब ओराइन कॉन्स्टिलेशन में एक नेबुला के स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया तो उसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम से मुशाबे पाया, जो कि इस बात की दलील थी कि नेबुला दरअसल हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल है। और हम जानते हैं कि नेबुला का मटेरियल ही बाद में कसीफ होकर सितारों की आमाजगाह बनता है। अगस्त 1864 में
जूल जेंसन ने सूरज ग्रहण के दौरान अपनी नौयत के कुछ मुनफरिद किस्म के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए। ये स्पेक्ट्रम ब्राइट एमिशन लाइन पर मुश्तमिल थे। इसी बरस नॉर्मन लॉकियर ने भी ब्राइट एमिशन लाइन के स्पेक्ट्रम सूरज से हासिल की। इससे कबल ऐसे स्पेक्ट्रम किसी गैस से हासिल नहीं हुए थे। नॉर्मन लॉकियर ने एक यूनानी देवता हीलियोस के नाम पर इस गैस का नाम हीलियम रख दिया और फिर तकरीबन 27 साल बाद लैब में भी हीलियम की तस्दीक हो गई। इससे हमें यह पता चला कि सूरज बुनियादी तौर पर दो अनासिर हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। बाद में स्पेक्ट्रोस्कोप यानी तैफे अक्स पैमा की मदद से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह के स्पेक्ट्रम भी रिकॉर्ड किए गए। ई पिकरिंग ने हजारों सितारों के स्पेक्ट्रम की अक्स बंदी की। सितारों के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने में एक बड़ा नाम एनी जेम्प कैनन का भी है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगानी में तकरीबन 5,00,000 सितारों के स्पेक्ट्रम की ग्रोबंदी की। 1923 में सेसेलिया पेन ने इस बात का मुशाहिदा किया कि हम सितारों के स्पेक्ट्रम की मदद से उनका टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएचडी के थीसिस में इस बात को साबित किया कि सितारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आंसर हाइड्रोजन है। वो न्यूक्लियर रिएक्शन के सबब रोशन होते हैं और अपना ईंधन ख़त्म करके सुपरनोवा की शक्ल में फट जाते हैं। ये तो थी सितारों की साइंटिफिक स्टोरी। एक बात मेरे दोस्त हाजिक ने भी कही, लिखते हैं किसकी आंखों से फलक तक देखूं, मेरी आंखों ने ओढ़ रखी है एक चादर अब्र के जिसमें पैवंद हैं सितारों की।